वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने वाला है। कब से शुरू है, कितने सोमवार है, क्या पूजन विधि है, क्या कथा है, ये सारी वीडियो चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आप सभी वो वीडियोस देख चुके होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप डिवोशनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप शिव का अभिषेक कर सकते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से हर व्रत त्योहार तीज के बारे में जानने के लिए, सभी कथा और टोटकों के बारे में जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह के लिए हां कहा था और इसी कारण से ये महीना शिव और माता पार्वती दोनों को ही काफी प्रिय है। इस माह में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का पूजन किया जाता है। अगर आप श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करते हैं तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस कारण महादेव के तमाम भक्त अपने अपने तरीके से उनकी पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं। अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जिसकी पूर्ति के लिए आप प्रभु से विनती करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी चीजें जिनसे महादेव का अभिषेक करने पर वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में अलग अलग मनोकामना के हिसाब से अलग अलग चीजों से भोलेनाथ का अभिषेक करने की बात कही गई है। तो चलिए जानते हैं। यदि आपके घर में कलेश रहता है, आर्थिक संकट जो है वो लंबे समय से आप झेल रहे हैं तो सावन भर महादेव का अभिषेक गाय के दूध से करें। उनके समक्ष अपनी समस्या को रख कर उसे दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आप पंचामृत से महादेव का अभिषेक करते हैं तो आपके सभी प्रकार से कष्ट जो है वो दूर होंगे। और अगर आप ऐसा पूरा सावन नहीं कर सकते तो सावन के सोमवार में जरूर करें। अकाल मृत्यु से बचाने के लिए और वंश वृद्धि करने के लिए गाय के घी से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक करने पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और अगर आपको किसी बीमारी ने लंबे समय से घेर रखा है तो आप सावन भर महादेव का शहद से अभिषेक करें। यदि सुखी ग्रस्त जीवन की कामना आप करते हैं तो उसके लिए 40 दिनों तक रोज बेल पत्र से महादेव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि सावन में धतूरे के 1,00,000 फूलों से महादेव का अभिषेक किया जाए तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जिनको संतान न हो उनको संतान की प्राप्ति होती है। शत्रुओं के नाश के लिए सरसों के तेल से सावन भर महादेव का अभिषेक करें। गंगा जल महादेव को अति प्रिय है और वे इसे जटाओं में धारण करते हैं। तो अगर आप अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो सावन में महादेव का गंगा जल से अभिषेक करें। बौद्धिक और तार्किक क्षमता को बेहतर करने के लिए शक्कर मिश्रित दूध से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। तो ये कुछ टोटके थे जिसको आप अपना कर या ऐसी चीजें जिनका आप अभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।